मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा या फिर दवाइयों के अलावा भी कुछ ऐसे टिप्स होते हैं जिनके यूज़ करके, जिनका ध्यान रख के आप वेजाइनल डिस्चार्ज को, सफ़ेद पानी को, वाइट डिस्चार्ज को अवॉइड कर सकती हैं। जैसे कि आप लूज़ कॉटन पैंटीज़ का यूज़ करें, ठीक है। आप अपने जेनेटल एरियाज़ को क्लीन करके रखें। आप जब भी वॉशरूम जाएं, आप यूरिन पास करें, तब भी अपने प्राइवेट एरिया को क्लीन कर कर आएँ, ठीक है। नेक्स्ट, आप बीटाडीन सॉल्यूशन का यूज़ भी कर सकती हैं वॉश करने के लिए। जैसे कि एक ढक्कन बीटाडीन सॉल्यूशन लिया और एक मग में उसको डाला, एक मग पानी में उसको डाल दिया, उसके बाद उससे वॉश कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट, आप जो इटीमेट वॉशिज होते हैं, इन सब का यूज़ ना करें तो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इन सब का एक थोड़ा यूज़ ठीक है, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा आप इनका यूज़ करोगे तो ये आपके विजाइना के पीएच को डिस्टर्ब करती हैं, जिनकी वजह से कुछ हेल्दी बैक्टीरियाज़ किल हो जाते हैं और जिनकी वजह से फिर अनहेल्दी बैक्टीरियाज़ ग्रो करके आपको इन्फेक्शन फैलाते हैं, जिसकी वजह से आपको सफ़ेद पानी की प्रॉब्लम बन जाती है, ठीक है। कुछ कपड़े जब धुलते हैं तो उनमें डिटर्जेंट्स पाउडर लगे रह जाते हैं या फिर अच्छे से वॉश नहीं होते हैं, तो वो भी आपको इरिटेट करते हैं, उनकी वजह से भी आपको दिक्कत होती है। नेक्स्ट, आप कोई भी कॉस्मेटिक चीज़ें जैसे कि डिओड्रेंट्स हैं, परफ्यूम्स हैं, आप ना यूज़ करें तो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि ये इन्फेक्शन को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट, आप किसी भी टॉयलेट शीट को यूज़ करने से पहले आप उसको सैनिटाइज़ कर लें। आप टॉयलेट शीट सैनिटाइज़र्स का यूज़ कर सकती हैं, आपके लिए बेस्ट है, लेकिन जिनके पास टॉयलेट सीट सैनिटाइज़र्स नहीं हैं, वो सीट को टिश्यू पेपर से कवर करके उसके ऊपर बैठ सकती हैं। मीनिंगफुल बात सबसे कहने का मतलब ये है कि आप सीट के साथ कॉन्टैक्ट अवॉइड करें, आपके लिए बेस्ट रहेगा, इन्फेक्शन से बच जाओगे। नेक्स्ट, आप अपने सेक्सुअल पार्टनर के साथ सेफ सेक्स प्रैक्टिस रखें। बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन का यूज आप कर सकती हैं, कॉन्डम बेस्ट ऑप्शन होता है दोनों पार्टनर्स को इन्फेक्शन से बचाने के लिए। आपको यदि रेडनेस या फिर थोड़ा सा मतलब इरिटेशन सी आपको फील हो रही है आपके वजाइनल एरियाज में, पार्ट्स में, वल्वा के साइड में, तो आप पेट्रोलियम जेली और कोकोनट ऑयल का यूज़ कर सकती हैं, उनसे इरिटेशंस कम होती है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आप मेनस्ट्रुअल हाइजीन्स को कैसे मेंटेन करती हैं। आप अपने मेनस्ट्रेशन के टाइम पे, अपनी डेट के टाइम पे कॉटन सैनिटरी पैड्स यूज़ करें, वो आपके लिए बेस्ट हैं। आप चाहें तो वेजाइनल कप्स भी यूज़ कर सकती हैं, टैम्पोन्स भी यूज़ कर सकती हैं। लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।